तो गाइस आज हम बनाने वाले व्हाइट सॉस पास्ता, जिसकी पूरी रेसिपी आपको ये रिम्मी बताएगी, ये शेफ है और बनाऊंगी मैं क्योंकि मैं अच्छा बनाती हूँ, बट रेसिपी यही बताएगी, ठीक है। और चलो आपको वो बताने वाली कि इसमें क्या क्या डलेगा, क्योंकि आज का पूरा ब्लॉग वही बनाने वाली है, ऐसा है, ठीक है। आज कुछ नया नहीं है, नॉर्मली आप भी खाते होंगे, फिर भी हम बताना चाहेंगे आपको कि हमने अभी पास्ता है ना, मैक्रोनी है, एक्चुअली वो पास्ता नहीं है, तो हमने मैक्रोनी को बॉईल करने रख दिया है, उसमें ऑयल और सॉल्ट डाला है, तो अभी वो बॉईल हो जाएंगे कुछ 5 मिनट में, फिर हम उसको निकाल देंगे। आज रिद्धि दीदी ने 1 पर 2 तारीफ कर दिए, उसकी कहावत अलग है पर तारीफ उनकी खुद की भी कर दी और मेरी भी कर दी, तो छोड़ो उसको गाइस। एक्चुअली है ना, हमको शॉप पे है ना वो नहीं मिला व्हाइट सॉस का मसाला, व्हाइट सॉस पास्ता मसाला, हाँ ठीक है, तो हम नॉर्मल पास्ता मसाला लेके आए, ऐसा ये बोलना चाहती है। चिली फ्लेक्स भी, ये भी ओरिगेनो की एक जाति का ही है, हम ज्यादा वेजिटेबल्स ले नहीं रहे, ठीक है, हम ज्यादातर हम जो जो डालते हैं वो वाला, और ये जो लड़की है ये पूरी जैन है, सो ये आलू प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाती, तो इसके लिए हम सिर्फ टमाटर और शिमला मिर्ची डालेंगे, प्याज और लहसुन नहीं डालेंगे, तो हम आपको जैन और बिना जैन दोनों रेसिपी देने वाले हैं ना, है ना। आप हमको गरीब मत समझना, क्योंकि लिए हमको कैप्सिकम मिली नहीं थी गरीब मत हम बना नहीं, अच्छा हुआ मेरा कुकिंग चैनल नहीं है, नहीं तो ये मेरी इज्जत के पंच ना मैं करने वाले ये पढ़ रही है। अब हम ये कटिंग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, और हमारा ये पास्ता तो उबल ही रहा है अभी भी, तो गाइस प्याज को मतलब बारीक नहीं काटना है, इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटना है, ठीक है, और लहसुन को बिल्कुल बारीक काटना है, वो भी दिखाती हूँ आपको, तो इसको ऐसे चाकू से चेक करना है कि ऐसा हो गया या नहीं, ठीक है। इनको गर्म लगता है, आप हाथ से भी चेक कर सकते हो ऐसे, नहीं पर है ना इसको इतना भी ज्यादा नहीं पकाना है, इसको थोड़ा थोड़ा कच्चा रखना है, क्योंकि अपन जब है ना व्हाइट सॉस पास्ता में इसको डालेंगे ना तब है ना बहुत प्रॉब्लम होगी, तो व्हाइट सॉस पास्ता में मतलब वो कढ़ाई में चिपक जाएंगे, इसको अगर हम कुक करेंगे ना वो मेसी हो जाती है उसमें, हाँ मतलब बिल्कुल ज्यादा पक जाने के बाद इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, इस वजह से इसको थोड़ा थोड़ा कच्चा रखना होता है। तो गाइस हमने इसको निकाल दिया और अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम थोड़ी देर, देखो हमारा थोड़ा ज्यादा पक गया है ना शायद, पर आपको इसको ज्यादा नहीं पकाना है, मतलब थोड़ा कच्चा कच्चा रखना है, और हमारा भी ज्यादा नहीं पका है, इसको थोड़ी देर के लगते ठंडा हो जाए, अभी बहुत गर्म है, हाँ अब इसके बाद हम बनाएंगे व्हाइट सॉस, ठीक है, तो अभी इसको हम ऐसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और व्हाइट सॉस बनाते हैं। गाइस ये प्याज और लहसुन को काट दिया हमारे पास, तो गाइस पहले हम ये वाली वेजिटेबल्स मतलब टमाटर और शिमला मिर्ची डालते हैं हम, तो हम ये पहले इसको तेल में अच्छे से पकाएंगे, और प्याज और लहसुन वाला हम बाद में पकाएंगे क्योंकि ये खाते नहीं है, तो चलो। तो गाइस अभी हमने शिमला मिर्ची और टमाटर बना दिया है, मतलब फ्राई कर रहे सॉरी, बस थोड़ा बस, तो भी सारी वेजिटेबल को मतलब टमाटर और शिमला मिर्ची को 5 मिनट के लिए अपन पकने देंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए, तो अभी हम इसमें पास्ता मसाला डालेंगे, ये टमाटर मतलब जेल वाला अलग और ये प्याज वाला अलग अलग कर दिया है, और फिर उसको हम बनाएंगे व्हाइट सॉस बनाएंगे, उसके बाद थोड़ी मैदा लेना, अभी हमने 1 कटोरी मैदा ले लिया है व्हाइट सॉस बनाने के लिए, अभी हमने 2 चम्मच घी डाला है जिसमें मैदा डालेंगे, उसको सेकेंगे फिर, अरे हाँ ना, अरे तो बताना पड़ेगा ना उसके सॉस, आप डालोगे फिर से पूरे को, मेरे को बहुत एडिट करना पड़ेगा वैसे पहले, मुझे आती है आप एडिट कर, आपको तंग करना, हाँ बीच में उल्टे हाथ से डालो ना, तो अभी हमने मैदे को सेकने के लिए डाल दिया है, 1 कटोरी जितना दिया था उतना 1 कटोरी पूरा डाल दिया है, और अब हम मैदे को सेकेंगे, ये गोल्डन ब्राउन होता है ना, हाँ गोल्डन ब्राउन होता है, गोल्डन ब्राउन तो नहीं होगा बट इसको सेकना अच्छे से, कच्चा नहीं रहना चाहिए, स्मेल आती है हलवा बनाते तब आती है ना वैसे आएगी,
तो अब इसको है ना लो फ्लेम पे सेकना है, क्योंकि है ना इस अच्छे से इसकी सुगंध आएगी ना। अरे हाँ कैमरामैन बिल्कुल अच्छा नहीं है मेरा। इसके बाद इसमें हम दूध मिलाएंगे। अभी हम थोड़ा दूर से कर, अभी हम इसमें मिल्क डालेंगे और इसको स्टीर करते रहना, नहीं तो इसमें गाटे फट जाएंगे। जैसे ही दूध डालो तो हिलाते रहना। तो गाइस इसकी रेसिपी फ्लॉप हो गई। जो सॉस बना रही थी वाइट सॉस, उसमें इसके गाँठे पड़ गई है। तो अब देखो, अब ये रेसिपी को सही करने की कोशिश कर रही है। सही हो जाएगा तो पास्ता सही बन जाएगा। ये देखो वाइट सॉस पास्ता बन रहा है। हाँ तो गाइस आप थोड़ा ध्यान रखना, गर्म दूध डालना, हमने ठंडा डाला जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो अब इसको हम सुल जा रहे। पहले कैसे करा था? पहले मेरा सही बना था क्योंकि मैंने बनाया था मेरे हिसाब से। अभी क्या, अभी बीच में मेरे को नानी ने सबने परेशान कर दिया। नहीं मैदा तो डालना ही पड़ता, व्हाइट सॉस कैसे बनेगा। तो गाइस पहले मैंने बनाया, जितनी बार भी बिल्कुल सही बना। इस बार क्या, मेरी दादी और थोड़े गेस्ट आ गए अचानक से और हमारा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो गया। उसके बाद ये रसोई में ये, फिर ये, इनकी वजह से ये जो हुआ है हमारे सॉस के साथ, सॉस में कांटे पड़ गए। तो अब हमको इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, मतलब 5 मिनट के काम में हमको 10 मिनट 20 मिनट कितना लगने वाला है। तो देखो हमारा मतलब करामती जो गलत काम था पूरा बिगड़ा हुआ वो सही कर रही है। पीस दो उसको मिक्सर में। मिक्सर में कैसे पीसेंगे? मिक्सर में पीस देते हैं, नहीं होगा इसका कुछ भी। तो गाइस हमारा ये बिगड़ा हुआ सिर्फ एक ही इंसान सुधार सकता है और वो है मम्मी। देखो ये दुनिया में कहीं पे फंस जाओ तो आपका काम कौन निकाल सकता है? हमारी माँ ने जुगाड़ लगाया। ये तो पुडिंग बन गई है, पुडिंग। अंधेरा आ रहा है, इधर आ जा, इधर आके बोल, लाइटिंग आएगी थोड़ी बहुत। हमारा व्हाइट सॉस पास्ता जिस स्पीड से हम बना रहे हैं। अभी हमने सारे मसाले डाल दिए और हमने मसाले नहीं, वो जो ऑरिगैनो और ये सब। और आपके लिए हम एक नया आइडिया लेके आए कि अगर आप साथ ऐसा हो जाए जैसा हमारे साथ हुआ है तो एक कॉल लगाया हमारी मामी को। कॉल लगा, इंडियन जुगाड़ है ये मामी। उसके बाद ये वेजिटेबल्स डाल दो, हमने जो कप से सेक के रखी थी। और प्लीज ये तो भिंडी वाली है ना, भिंडी वाली कौन सी होती है? तो क्या क्यों डालना है बेचारी भिंडी को, हम सस्ती कंपनी वाला खिलाएंगे ना। जेन तो ना क्यों है पास, मामी भी तो खा ही सकती है। हाँ मम्मी खा सकती है, पेट में लसन वो नहीं है। देखा सुना मेरे ला वो ना। अब थोड़ा सा पास्ता, थोड़ा सा पूरा पास्ता डाल दो, पानी डाल देना। बाल लंबे होते हिला करो। अभी हम धीरे धीरे करके पास्ता डाल रहे हैं। मम्मी मिक्स कर। अब रीति दीदी केयरफुल हो गई है, पहले कम डालती है फिर डालती है। अच्छे से दिखा आपको। अगर इसमें चीज मेयोनीज कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ये तो तेरे को मीठा मीठा लगेगा, शक्कर डालिए तो। ऐसा तो नहीं थी दीदी, नहीं दो चम्मच उसमें थोड़ा सा नमक डाल, मीठा तो डाला रहता ही है। अब ये निकाल दो। मुझे अब इसमें मिक्सी का टेस्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं आएगा, बहुत सही बन गया ये। अब रिमी के लिए निकाल दिए, अभी तो हमारे क्या डालना है? पहले चखो तो सही कि क्या डालना पड़ता है। बस ये हमारा जैन वाला मैक्रोनी बनके तैयार है, आई मीन व्हाइट सॉस पास्ता। अब हम इसमें प्याज वाला और निकालो, जैन वाला नहीं, नहीं मेरे को बस इतना है, मेरे को बस इतना ही। इसने टेस्ट किया जो काफी अच्छा है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। डाल दो, प्याज डाल दो, और डाल दो। तो गाइस हमारा ये हो गया प्याज वाला भी, और ये लाइट की वजह से येलो दिख रहा है, बाकी ये है व्हाइट। ठीक है,
है। चलो ये अर्जिता टेस्ट करके बताएगी। कैसा? ये तो गाइस फाइनली हमारा जो बिगड़ा हुआ था पास्ता वो बहुत अच्छा बना है। क्रेडिट सारा मम्मी को और रिम्मी को भी जाते हैं, क्योंकि रिम्मी ने आइडिया दिया कि मिक्सर में उसको पीस देते हैं तो उसमें जो वो गाठे गाठे बन गई थी वो खुल जाएंगी। बाकी पिज़्ज़ा पास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा है ऐसा ये बोल रहे हैं, मैं भी टेस्ट करती हूँ। चलो आपको बताते हैं। बोल चलो अब मेरा नंबर है, मैं भी खाऊँ। तो गाइज ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मतलब आपको अगर इससे कुछ हेल्प मिले कभी वाइट सॉस पास्ता बनाने में तो इस रेसिपी को ज़रूर अप्लाई करना। ठीक है, बाय बाय।